हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीतास किचन। आज मैं आज की रेसिपी बनाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज की रेसिपी में मैं फटे हुए दूध से लड्डू बनाऊंगी, तो आइए देख लेते हैं हमें लड्डू बनाने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता है। आटा 250 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, नारियल के टुकड़े कटे हुए 2 चम्मच, तेल 2 चम्मच, बादाम कटा हुआ 4-6, घी जिसको हल्का गर्म कर लिया है, 1 किलो दूध जो कि फट गया है। अब फटा हुआ दूध से पानी अलग करेंगे, चम्मच लगाकर इस तरह से अलग कर लीजिए और फटे हुए दूध को एक बोल में निकाल लें। जितनी आटे की क्वांटिटी हो फटा हुआ दूध उतना ही ले। यहाँ पे 1 किलो दूध फटा है तो मैंने यहाँ पे आधा फटा हुआ दूध यूज़ किया है और 250 ग्राम आटा, और पानी को फेंक देंगे। अब कढ़ाई में घी डालें, घी गर्म होने पे आटा डालें और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भुनें हल्की आंच पे। गैस का फ्लेम लो रखें, नहीं तो आटा जल जाता है। इसे हमें धीमी आंच पे धीरे धीरे करके भूनना है, तब तक भूनना जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए गोल्डन ब्राउन। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें फटा हुआ दूध डालें, एक साथ ना डालें, धीरे धीरे करके डालें और इसे अच्छे से मिक्स करें। ये बचा हुआ मैंने पूरा डाल दिया है, साथ ही चीनी डाल दें। और अच्छे से मिक्स करें तब तक जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब इसमें हम कटा हुआ नारियल डालेंगे, कटा हुआ बादाम और तिल, इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स करें लगभग 2 मिनट तक। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, गैस ऑफ कर दें और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। आप इतना ठंडा होने दें कि वो आपका हाथ ना जले और अच्छे से आप बना सकें। देखिए इस तरह से बनाइए लड्डू। इसी प्रकार से सारे लड्डू को बनाकर हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे घिसा हुआ नारियल से गार्निश कर रही हूँ। तो देखिए फटे हुए दूध से आटे के स्वादिष्ट लड्डू तैयार हैं। आप इसे बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।